आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। हाल ही में 10 फरवरी को दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पण निधि एकत्रित कर रहे रिंकू शर्मा की जिहादियों ने हत्या कर दी थी। इसी हत्याकांड के खिलाफ देश भर में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। इंदौर के चाणक्यपुरी चौराहे पर बजरंग फोर्स संगठन द्वारा रिंकू शर्मा का चित्र लगाकर दीपक एवं मोबाइल के टॉर्च जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बजरंग फोर्स राष्ट्र प्रमुख देवा रजक की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। इस दौरान बजरंग फोर्स राष्ट्र प्रमुख देवा रजक ने सरकार से मांग की है कि दोषी हत्यारे जिहादियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाई जाए। बजरंग फोर्स ने इंदौर सहित अन्य जिलों में भी रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग को लेकर 14 फरवरी को श्रद्धांजलि के कार्यक्रम आयोजित किए। आपको बता दें कि बजरंग फोर्स संगठन एक हिंदूवादी संगठन है और लगातार देश प्रदेश के विभिन्न जिलों में सैकड़ों सदस्य के साथ अपने संगठन का विस्तार कर रहा है। रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सबसे पहले मैं सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम, भारत माता की जय। जो 3 दिन पहले जो घटना हुई थी दिल्ली में, हिंदू जो बजरंग दल के कार्यकर्ता था, हमारा हिंदू भाई था, वो जो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा था, उसके बीच जिहादियों ने उसके घर पर जाकर चाकू से गोद कर हत्या करी। लेकिन बहुत निंदनीय हत्या है, ये बहुत हमारे हिंदू भाइयों के लिए शर्म की बात है कि हम जय श्री राम का नारा लगाना ये मतलब गुनाह हो गया। तो ये क्या करें कि हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएँगे पाकिस्तान? ये कौन सा गुनाह जय श्री राम लगाने का? हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि ये जिहादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको फांसी दी जाए। अरे ये कहना चाहेंगे महाराज कि ये जो हत्या हुई है, ब्राह्मण हत्या है, इसका विरोध जो है हर हिंदू को करना चाहिए। मिलकर के इकट्ठा होकर के उसको श्रद्धांजलि दो और सरकार से मांग करो कि जो दोषी है उनको फटाफट फांसी दो, जो भी निर्णय करो, सुप्रीम कोर्ट बैठाओ, आधी रात को बैठाओ, कुछ भी करो, ठीक है। भाई साहब बेलम टंडे का कोई विरोध नहीं है, हमारा भाई साहब रिंकू जी शर्मा का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पे और हम यहाँ उपस्थित है सब जने। और बस की पीड़ा है बजरंग फोर्स के युवाओं में रिंकू शर्मा की हत्या से, बस यही कि फांसी की सजा होना चाहिए हत्यारों को, जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए उन पे, सब पे।